सो व्हाट्सअप गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपका भाई एक बात बोलना चाहता, आप लोग ऑलराउंडर फोटो एडिटिंग करना चाहते, फेस को स्मूथ करना एंड साथ ही साथ में आप लोग सीवी बैकग्राउंड एडिट करना था, आपका भाई इस वीडियो में सारा कुछ आप लोग को सिखाए रहे नहीं, तो आप लोग क्या करना है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना है। जीरो भी आप लोग को फोटो एडिटिंग करने आता है तो आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो 110% आपका भाई गारंटी के साथ बोला है, बहुत ही खतरनाक तरीके से आप लोग फेस स्मूथ करना एंड आप लोग फुल HD क्वालिटी में हमारा देखते हो कितना ज्यादा HD क्वालिटी में रहता है और आप लोग सीवी बैकग्राउंड बनाना सारा कुछ इस वीडियो में आपका भाई बता चुका है। आपका भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका बॉय बोला ना ऑलराउंडर फोटो एडिटिंग आप लोग को सीखना है तो वीडियो आप लोग के लिए बनाया था। बस आप लोग को रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक वीडियो देख लेते हैं, कुछ ऐसा आप लोग फेस को ऐसा रहेगा तो आप लोग बहुत ही कमाल तरीके से आप लोग ऐसा करके फेस को स्मूथ करके इतना अच्छे तरीके से गोरा कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा आप लोग को कुछ ऐसा करके बैकग्राउंड रहता आप लोग कुछ ऐसा बैकग्राउंड एडिट कर सकते हो, आपका भाई गारंटी ले रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है ना, पूरा एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा और वीडियो को आप लोगों को थोड़ा भी स्किप करके नहीं जाना है। और PNG प्रीसेट आप लोगों को डाउनलोड करना था, आप लोग वीडियो देख के उसके बाद PNG प्रीसेट आप लोगों को डाउनलोड करना है और जो जो आप लोगों को ट्रिक आज आपका भाई बताएगा सारा कुछ आप लोगों को जनरल ट्रिक बताएगा। बस आप लोगों को रिक्वेस्ट एंड तक वीडियो में बनना पड़ेगा और कैसे आप लोगों को जो भी पिक को एडिट करना रहेगा तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को अपना पिक को ले लेना है और कैसे सबसे पहले आप लोगों को अपना पिक को लेकर लाइटरूम ऐप में गई शेयर कर लेंगे कुछ ऊपर की साइड में, ऐसा करके आप लोगों को लोडिंग लेगा कुछ ऊपर की साइड में लोडिंग 100% होने के बाद आप लोग को क्या करना, नोटिफिकेशन पर आप लोग को टैप करना है। नोटिफिकेशन पर गाइस आप लोग को टैप करना है तो उसका पहले आप लोग को बहुत सारा आप लोग को प्रीसेट नहीं, आप लोग को एक ही प्रीसेट देंगे, सबसे बेस्ट प्रीसेट देंगे आप लोग जो फोटो में यूज करें। तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला प्रीसेट आप लोग ले लेते हैं, देखिए ऐसा भी प्रीसेट बहुत ही था कमाल कमाल के प्रीसेट है। आप लोगों को सारा प्रीसेट चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा, 100 का मैसेज वीडियो प्रीसेट का ओली कर दे तो आप लोग को प्रीसेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो इसका जो जेनुअल प्रीसेट है, ओरिजिनल प्रीसेट है, मस्त प्रीसेट है, यूज करेगा और उसमें आएगा तो आप लोग को सबसे पहले इस प्रीसेट को आप लोग क्या करना है ना, कॉपी सेटिंग कर लेना है। तो आप लोग को क्या करना है, जैसा करके थ्री आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग ऐसा कॉपी सेटिंग करके लिखा रहेगा था, इसको कॉपी सेटिंग करके इसको डन कर लेंगे। इसको कॉपी सेटिंग करके डन करके अपना ओरिजिन पिक को लेके आप लोग क्या करना है, थ्री डॉट पे आप लोग को टाइप करके इधर कॉपी पेस्ट लिखा रहेगा तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आप लोगों को भी ऐसा करके फोटो क्या होगा ना, इधर में कलर आ गया और एंड अपने कपड़े पे देखिए कलर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग को कलर आइकन पे आना है, मिक्स टूल पे आना है और सबसे पहले आप लोग इधर मार्क मार के दिखा रहे इस कलर को आके इसको इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग को यहाँ पे एडजस्ट में कलर रखिएगा। इस आप लोग को सभी जगह आप लोग को एडजस्ट में ऐसा करके आप लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को हो जाएगा तो कोई बात बन नहीं, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इतना प्रोसेस होने वाला आप लोग को क्या करना, अच्छे तरीके से यहाँ से कलर वाला आइकन पे आके मिक्स टूल पे आप लोग को एडजस्टमेंट कर लेना अपने फोटो के हिसाब से, किसी किसी में भाई को कलर के ऊपर आएगा। उसके बाद गाइस इतना प्रोसेस होने वाला, सेबल आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग को सेव कर लेंगे। सेव करने में गाइस इसको आगे का जो जो प्रोसेस आपका भाई बताएगा आज तक कोई इतना अच्छे तरीके से आप लोग को बता नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग इतना प्रोसेस होने में तो फोटो का अपना सेव करके सबसे पहले हम क्या करते हैं आप लोग को गैलरी में आ जाते हैं। गैलरी में गाइस आने में तो हमारा ओजन पी के देख सकते हो, जो लाइट रूम में गाइस शेयर करे तो हमारा ओरिजिनल पिक पे इधर पे हेयर पे कलर आ चुका है। इस कलर को गाइस हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्नैपशीट ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेंगे। स्नैपशीट ऐप में गाइस शेयर करने में कुछ हमारा फोटो का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। इस कलर को हटाने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर में देखिए टून इमेज पे गाइस आप लोग को टाइप करना है। टून इमेज पे गाइस टाइप करके गाइस इसको एवनिस को पूरा 100 माइनस करके उसके बाद पिक्सेल आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करके व्यू एडिट पे गाइस टाइप करके हम क्या करेंगे, इसको गाइस बस अपने हेयर पे गाइस इस कलर को अप्लाई करेंगे, जो हमारे हेयर पे कलर था वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा हेयर पैसा कलर खत्म हो रहा था, सेम प्रोसेस करके आप लोग भी करेंगे आप लोग का हेयर पैसा कलर को खत्म कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम खत्म कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी करेंगे खत्म हो जाएगा। उसको शेयर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करके आप लोग को सबसे पहले आप लोग को पिकार्ट में गाइस अपना फोटो शेयर कर लेना है। गाइस पिकार्ट में गाइस इसके लिए शेयर करेंगे कि गाइस आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड को सीवी एडिटिंग में कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को हाई HD फेस को कैसे आप लोग HD का क्वालिटी में एडिट कर सकते हो और फेस को स्मूथ कर सकते हो। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को एडिट करने के लिए डिटेल आइकन पर गाइस टाइप करके कुछ आप लोग को इंटरफेस ऐसा खुलेगा, तो इस वाला आइकन पर गाइस इधर मार्क मार्क आप लोग को दिखा रहे हैं तो इस वाला आइकन पर गाइस आप लोग को टाइप करना है। इस वाला आइकन पर गाइस टाइप करके सबसे पहले फेदर वन पर गाइस आप लोग को टाइप करके इसको क्या करना है, फेदर वन पर गाइस टाइप करते आप लोग का फोटो इतना गंदा हो जाएगा। इसको FC2 को 2-3 नंबर पर टाइप करके इसको FC2 को कम करके पिंसल आइकन पर गाइस आप लोग को टाइप करके इसको हमने को 100 करके इधर देखिए दोनों को 100 करके रख लेना है। इतना गाइस आप लोग को रखने में तो आप लोग को क्या करना, दोनों फिंगर से अपना फोटो को जूम
जूम करके अपना फोटो पे बस इसी इफेक्ट को इरेज कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से इस फोटो पे से इफेक्ट को इरेज कर रहा है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को ऐसा करके इरेज कर लेना। देखिए कितना अच्छे तरीके से इरेज कर रहा है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी इरेज कर लेना। देखिए आप लोग को बहुत ही ज़्यादा आराम से इरेज करना है, क्योंकि ऐसे आप लोग को सबसे पहले आप लोग को ध्यान में ये बात रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप लोग को बैकग्राउंड पे आप लोग को इफेक्ट को नहीं इरेज करना है। ओनली आप लोग को कपड़े पे से भी नहीं, बस ओनली आप लोग को फेस पे से और हैंड पे से आप लोग को इरेज करना है। तो हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से इरेज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को इरेज कर लेना। और जो जो आप लोग का भाई स्टेप बता रहे थे, आप लोग को सेम यही प्रोसेस करके आपका फोटो एडिट करेंगे तो 100% आपका भाई गारंटी के साथ बोल रहा है। आप लोग सेम फोटो एडिट करके नहीं दिखाए तो आप लोग क्या करना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके तुरंत ही आप लोग को चले जाना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम एडिट कर रहे थे, सेम प्रोसेस करके आप लोग को एडिट कर लेना है। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से इरेज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को इरेज कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा संभल के आप लोग को करना पड़ेगा। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना है। इतना प्रोसेस होने में थोड़ा सा बचा, इसको भी हम क्या करते हैं अच्छे तरीके से इरेज कर लेते हैं। देखिए इसको भी अच्छे तरीके से हम क्या इरेज कर लें। उसके बाद गाइस आप लोग को डन वाला आइकन पर गाइस टाइप करके आप लोग को क्या करना, अपना फोटो को डन कर लेना है। देखिए हमारा फेस पे से इस इफेक्ट को इरेज कर लें। इरेज करने के बाद आप लोग को डन वाला आइकन पर गाइस आप लोग को डन कर लेना है। इतना प्रोसेस होने बाद सबसे पहले आप लोग बैकग्राउंड को इफेक्ट को डालने के अभी सिखा चुके। अभी आप लोग बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से ब्लर कैसे करेंगे, तो आप लोग को फोटो रूम में गाइस आप लोग को अपना फोटो को शेयर कर लेना है। अपना फोटो को फोटो रूम ऐप में गाइस शेयर करें, कुछ आप लोग को फोटो को ऐसा करके स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना, आप लोग को डाटा ऑन कर लेना है। डाटा ऑन करने के बाद गाइस आप लोग को कुछ ऐसा करके इस इंटरफेस खुलेगा। ऐसा करके इंटरफेस खुलने के बाद गाइस आप लोग को सबसे पहले आप लोग को ऊपर के साइड ऐसा करके स्क्रॉल कर लेंगे। तो इस बार ब्लर आइकन इधर मार के दिखा रहे, इस वाला आइकन पर गाइस आप लोग को ऐसा करके लोडिंग लेने के बाद कुछ आप लोग खुलेगा। तो कुछ ऐसा आप लोग को खुलवा गाइस आप लोग को क्या करना, इस बार ब्लर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को टैप करना पड़ेगा। तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को ब्लर वाला आइकन पे गाइस टैप करेंगे तो कुछ आप लोग को गाइस ऊपर की साइड में ऐसा करके स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग फिर से ब्लर वाला आइकन पे गाइस टैप करके उसको ब्लर वाला आइकन पे गाइस टैप कर सबसे नीचे आप लोग को क्या होगा, इस वाला आइकन पे गाइस इधर मार्क मार्क दिखा रहे, इस वाला आइकन को ब्लर को 100 करके रख के आप लोग को कितना करके रखना, 89-90 करके आप लोग को, नहीं तो 80 करके दोनों करके रख लेना है। उसको बताओ गाइस अपना फोटो को इधर इस गाइस शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो गाइस पिकार्ट में गाइस ले लेंगे। उसको इतना प्रोसेस होने बाद गाइस आप लोग को लाइट का जो पीएनजी रहता है, सबसे पहले अपना लाइट का पीएनजी लगा लेते हैं। और सारा कुछ आप लोग को पीएनजी प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। इतना प्रोसेस होने इसको क्या करना, राइट को हम क्या करेंगे, लाइट को रेड कलर को सेलेक्ट करके इसको एक डुप्लीकेट लेयर बना के यहां गाइस ऊपर की साइड में यहां पे क्या करेंगे रख लेंगे। इतना प्रोसेस होने बाद गाइस अपना फोटो को सेवल आइकन पे गाइस टाइप करके भी आप लोग को क्या होगा ना, आप लोग को सारा कुछ का लिंक आप लोग को दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो फाइनल गाइस इतना प्रोसेस होने बाद आप लोग को क्या करना, सेरल आइकन पर गाइस टाइप करके अपना फोटो को हाई एचडी क्वालिटी में आप लोग को किस करने के लिए, आप लोग को फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग को रैमनी ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। अपना फोटो को गाइस रैमनी ऐप में गाइस शेयर करेंगे तो आप लोग को इस वाला आइकन पर गाइस टाइप करेंगे, कुछ आप लोग का गाइस फोटो ऐसा करके लोडिंग लेगा। आप लोग का गाइस फोटो को लोडिंग लेने वाला गाइस इसका आगे का जो जो प्रोसेस, आप लोग को फेस को कैसे हाई एचडी क्वालिटी में आप लोग सेव करते हो, और जो जो हमारा फोटो एडिटिंग का रात साथ सारा वीडियो इस वीडियो में आपका भाई खोल के रख चुका है, हम कैसे अपना फोटो का हाई एचडी क्वालिटी में हम सेव करते हैं। तो इतना प्रोसेस होने तो कुछ आप लोग का फोन ऐसा करके लोडिंग लेगा। उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर अभी जमीन और आसमान का फर्क आप लोग को दिखाई देगा। इतना प्रोसेस होने से बल आइकन पे गाइस आप लोग को टैप करके अपना फोटो को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने वाले आप लोग को डन कर लेना। उसके बाद गाइस आप लोग अपना फोटो को अभी गैलरी दिखाते, जमीन आसमान का फर्क आप लोग को अभी से पता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को फोटो को जो रमनी मारे तो अपना फोटो को दिखाते, देखिए फोटो को कितना भी अभी जूम करेंगे तो हमारा फोटो क्या होगा, थोड़ा भी नहीं फटेगा। तो वे गाइस हमारा जो फोटो के बिना रैमनी वाला है तो आप लोग देख सकते हैं फोटो कितना भी हम जूम करेंगे तो तुरंत फट ही जाएगा। और जो फोटो में रैमनी मारे तभी देखिए इसको फोटो कितना भी जूम करेंगे तो नहीं फटेगा। तो फाइनली गाइस इतना प्रोसेस होने वाला आप लोग को फोटो को फेस को कैसे अच्छे तरीके से स्मूथ करने के लिए अपना फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। इतना प्रोसेस होने वाला अपना फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में शेयर करके तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को फोटो को आप लोग को स्मूथ करने के लिए अपना फोटो को दोनों फिंगर्स आप लोग को जूम करके आप लोग को कोई भी ब्रश आप लोग को जो पसंद रहेगा तो सबसे पहले आप लोग वही ब्रश को आप लोग सेलेक्ट करना है, क्योंकि तमाम इसमें ब्रश है वो बहुत ज़्यादा ब्रश है तो आप लोग को समझ नहीं है। तो हमको क्या करना, यही ब्रश हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसी फोटो से हम क्या करते हैं इसी ब्रश को लेके ये स्मूथ करते हैं। सबसे पहले आप लोग को सेटिंग का आप लोग देख के आप लोग जो पसंद रहेगा तो उसका सेटिंग अच्छे से करके आप लोग सेम प्रोसेस करके आप लोग अपना फोटो को स्मूथ करेंगे ना तो आप लोग को रिजल्ट जो देखने को मिलेगा तो आप लोग क्या ही बताए, इतना एचडी क्वालिटी में आप लोग को फोटो रहेगा। और जो जो हमारा राज साथ सारे पीस कुछ इस वीडियो आपका भाई खोल के
रख चुका है तो आप लोग देख सकते हो। ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फोटो को फेस को अच्छे तरीके स्मूथ कर लेना है। तो देखिए हम कितना अच्छे तरीके से अपना फेस को स्मूथ कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। और गाइस आप लोग सबसे पहले आप लोग को ध्यान से बात रखना पड़ेगा फेस को स्मूथ करने के लिए कि गाइस आप लोग क्या करना ना, अपना फोटो को जितना ज़्यादा हो सके जूम करके मेरे भाई आप लोग अपना फोटो को स्मूथ करना है। और गाइस इतना प्रोसेस हो कि आप लोग अपना फोटो को स्मूथ करेंगे तो आप लोग का भाई गारंटी के साथ बोला भाई आप लोग फेस स्मूथ का मास्टर नहीं बन गए तो आप लोग मेरा नाम तो चेंज कर सकते हो। और गाइस आप लोग को कुछ भी आप लोग को डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि गाइस आप लोग को सारा कुछ डाउट इस वीडियो में आपका भाई क्लियर कर चुका है। और गाइस आप लोग थोड़ा भी बहुत आप लोग को डाउट बचा रहेगा तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे आप लोग को सारा कुछ डाउट करके क्लियर कर देंगे। आप लोग फेस को स्मूथ करते हैं आपका भाई बहुत सारे भाई आप लोग तो हमारा फोटो देखते ही होंगे, आप लोग फोटो को कितना इंस्टाग्राम पे एंड आप लोग को रियल फोटो को आप लोग को इंस्टाग्राम पे और ओरिजिनल फोटो को देखते हैं, जमीन आसमान का फोटो एडिटिंग रहता है। और गाइस आप लोग देखते होंगे हमारा फेस वगैरह कितना एच डी क्वालिटी में रहता था, आप लोग को इसके गाइस आपका भाई जो हमारा ट्रिक था सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को खोल के रख चुका है, तो आप लोग देख सकते हो सारा कुछ आपका भाई इस वीडियो आप लोग को समझा चुका है। और गाइस आप लोग को जहाँ पे नहीं समझ आएगा कौन सा स्टेप आप लोग कमेंट जरूर आप लोग करना है, क्योंकि हम कमेंट सभी लोग का पढ़ते हैं और सभी लोग को रिप्लाई भी देते हैं, आप लोग समझ सकते हो। ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग को कमेंट करना और गाइस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। और गाइस आप लोग को कहाँ पे वीडियो नहीं समझ आए तो वहाँ पे भी आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, तभी तो हमको समझ आएगा कौन सा ट्रिक आप लोग को नहीं समझ आएगा, तो आप लोग को भाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उससे भी अच्छे तरीके से आपका भाई बताने का कोशिश करेंगे। और गाइस सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फेस को स्मूथ करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आप लोग को देखने मिलेगा ना आपको क्या ही बताएं, इतना बवाल तरीके से आप लोग अपना फेस को स्मूथ कर सकते हो। तो आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ आपका भाई फेस को स्मूथ करके दिखा रहा है। तो आइए गाइस आप लोग को वीडियो इतना ज्यादा पसंद है आप लोगों को तो क्या करना मेरे भाई, आप लोग को चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ साथ में आप लोग को बेल आइकन बटन भी आप लोग को प्रेस कर देना है तो आपका भाई देख सकते हो। जैसा आपका भाई बताया तो थंबनेल में सेम फोटो एडिट करके और आप लोग को फेस को स्मूथ करके आप लोग को सारा को दिखा चुका और आप लोग का भाई थोड़ा स्मूथ करके दिखाया है फेस को, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इस हैंड को जल्दी जल्दी करके हमें स्मूथ कर लेना। और गाइस आप लोग फेस को स्मूथ करते हैं तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और हिसाब से आप लोग को फेस स्मूथ करना पड़ेगा। और गाइस आप लोग को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए गाइस मिलेंगे ना किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक।